रग रग पावन हो रही है, अंतःकरण पवित्र परमात्मा के प्रेम से भरा जाए। प्रभु देव दया कर दो मुझ पर, मैं जन्मों का भूला भटका तेरे द्वार आया हूं। अनेक जन्मों के अनेक माता पिता पत्नी परिवार कुटुंब कुटुंबी पति हे मेरे सारथी, इस जन्म को मैं सार्थक कर दूं, मेरे सारथी, मेरे रथ के सारथी, मेरी नाव के खिवैया, हे दयालु प्रभु, हे अंतर्यामी, हे भक्तों के भगवान, मन तो रुपए पैसों के लिए रोता हंसता है, मोही का मन तो परिवार के लिए रोता हंसता है, अहंकारी का मन तो पद प्रतिष्ठा के लिए रोता हंसता है, लेकिन मेरा मन तो तेरे लिए ही रोए और हंसे, तेरे लिए ही नाचे और गाए, तेरी कठपुतली हो जाए। हे परमेश्वर, हे मालिक, हे सर्वलोक महेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हरि ओ। तमारो करने की, जानने की, मानने की शक्ति का सदुपयोग करेंगे। कर्म ऐसे करेंगे कि कर्म करने के बाद भी शांति, कर्म करने के पहले शांति, तो कर्म के वक्त भी परमात्मा शांति का प्रसाद बढ़ता जाए। मानेंगे तो ऐसी बातें मानेंगे, ऐसे पिया को मानेंगे जहां से मन मनन की सत्ता ले आता है मन, और जानेंगे तो महापुरुषों के अनुभवों को जानेंगे, महापुरुषों के उपदेशों को जानेंगे। ये अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करने से आदमी सत्य सुख को, सत्य जीवन को, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो मिथ्या चीजों को जानने में खपा देता है अपना समय, मिथ्या वस्तुओं को मानने में अपना जीवन खपा देता है, वो यहाँ भी तनाव से जीता है और मरने के बाद भी कई योनियों में बेचारे को कष्ट सहना पड़ता है। हम उसी को मानते हैं जिसको ऋषिवर मानते हैं, हम उसी के लिए ध्यान करेंगे जो सृष्टि का आधार है, जो सर्वाधार है, जो परमेश्वर है। हम उसी को प्रेम करेंगे जिसके प्रेम में योगेश्वरों का हृदय पावन होता है। उसे दुलार करो और दृढ़ विश्वास करो कि भगवान हमारा अपना है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये मानने की शक्ति का सदुपयोग है। विकारी रस, पातकी रस से तो भक्ति का रस बढ़िया है, दान का रस बढ़िया है। और जिनको भक्ति का, दान का रस मिलता है, वे भगवान के ज्ञान और ध्यान का रस पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। उस हृदयेश्वर के रस को पाने के लिए उसे दुलार करते जाओ। तू थंभो, तू थोनी, तू छप रही छाओ, आऊं खुजारो काओ, सबकी मालूम तो खे, हे दयालु प्रभु। तू थंभे में, तू थोनी में, तू छपर में, तू छाया में, तू माया में, तू काया में, तू मेरे दिल की हर धड़कन में, हे मेरे दिल भर, हे मेरे आत्मदेव, मेरे गुरुदेव, हे मारा वालुड़ा, हे मेरे परमेश्वर। लोभी रुपए पैसों के लिए रोता हंसता है, मोही परिवार के लिए रोता हंसता है और जन्म गंवा देता है, लेकिन भगवान का प्यारा तो भगवान के लिए रोता है तो भी पाप मिटाता है, और भगवान की मस्ती में हंसता है तभी भी भगवान के रस को पाता है। भीतर से जो कुछ भाव आए उसे रोको नहीं, अपने हृदय को उस परमेश्वर के भाव में, उस ईश्वर के ध्यान में, उस ईश्वर के प्रेम में, अपने चौथे केंद्र अनहद नाद को ईश्वर प्रीति से संचारित हो जाने दो। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। चतुराई को चूल्हे में डालो, निर्दोष बालक होकर प्रार्थना करो कि प्रभु मुझ में जानने की शक्ति है, मैं तुझे ही जानूं, करने की शक्ति है, तेरी प्रसन्नता के ही कार्य करूं। गुरु का हृदय मेरे पर उछल उछल कर, बरस बरस कर, मुझे गुरु प्रसाद में
तन्मय कर दे, मेरे से ऐसे ही काम हो कि गुरु मेरे पर सदैव राजी रहे। हे गुरु कृपा, तू मुझ पर बार बार बरसना। हे गुरु कृपा, मैं तेरा दामन छोड़ू फिर भी तू मेरा कान पकड़ के भी अपनी ओर ले आना। हे गुरु कृपा, मैं तो कलयुग का जीव भटक सकता हूँ। ज्ञानेश्वर कहते हैं, जिसने गुरु कृपा का दामन पकड़ा है वो चाहे कितना भी पापी पातकी हो, लेकिन गुरु कृपा का दामन उसे निष्पाप निर्दोष सुख तक पहुंचा देता है। हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय में कायमी निवास करना। हे गुरु कृपा, तू मेरे दोषों को न देखना, अपने स्वाभाविक कृपा को। हे गुरुदेव, हे दयालु प्रभु, ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार, मैं देह का गर्व न करूं। हे गुरु कृपा, मैं देह के विकारी सुखों में न गिरूं, मैं तो औषध वत खाऊं पीऊं और गुरु कृपा तेरी रहमत में सराबोर हो जाऊं। गुरु के देवी कार्यों में अपने आप को मैं तल्लीन कर दूं। हे दयालु प्रभु, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे योगियों के आत्मदेव, हे भक्तों के भगवान, हे शिष्यों के सद्गुरुदेव, हे प्राणी मात्र के आधार, हे सर्वाधार, तू मेरी सर्व इच्छाओं वासनाओं को तेरी ओर मोड़ दे। मीरा बांवरी होकर कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है तो कभी चुपचाप सुनसान बैठती। पागल लोगों ने मीरा को पागल कहा, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पर उठाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार गोपियों ने, ग्वालों ने, मीरा ने, शबरी ने पागल कहने वालों का भी विरोध नहीं किया, और वो तो भगवान की मस्ती में मस्त ही रहे। धन भागी है वे लोग जो भगवान के दव जप ध्यान और सत्संग के लिए घंटों भर बैठ पाते हैं। धन भागी है वे लोग जो भगवान के लिए दो आंसू बहा पाते हैं, भगवान के लिए हंस पाते हैं, रो पाते हैं, अपने दिल को पिघला सकते हैं।
फिरत फिरत प्रभु आयो परियो तो शरण आए साधक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। कई माताओं के गर्भ से फिरते फिरते आए, कई पिताओं के शरीर से भटकते भटकते लटकते लटकते आए। अब तू अपनी भक्ति का दान दे दे। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं और नित्य मौत के निकट जा रहे हैं। उसके पहले हमारे पापों की मौत हो जाए, हमारे अहंकार की मौत हो जाए, हमारी वासनाओं की मौत हो जाए। ये तब होगी जब हम तेरे रसमय स्वभाव में, तेरे अमर स्वभाव में, तेरे आत्म स्वभाव में, तेरे प्यारे गुरुओं के स्वभाव में सम्मिलित होंगे। हे प्रभु, अस्तो मा सद गमया, हमें असत्य आसक्तियों से बचाकर सत्य भक्ति की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से बचाकर आत्म ज्योति की ओर ले चल। मृत्युर माम अमृतम गमया, मृत्यु आकर गला दबोच ले। चार दिन की जिंदगी और इतना कतराना, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अरे पागल मनुष्य, मृत्यु का एक झटका तुझे मुर्दा बना देगा। तू मुर्दा बन जाए उसके पहले किसी सतगुरु का सत शिष्य बनना। दिखावटी शिष्य नहीं, सत शिष्य, सत्य का साक्षात्कार करने वाला। परमेश्वर, हे सर्वाधार, हे योगियों के आत्मदेव, भक्तों के भगवान, वेदांतियों के अद्वैत ब्रह्म, तू शबरी को मिला, तू प्रहलाद को मिला, तू ध्रुव को मिला, तू राजा जनक के हृदय में ज्ञान रूप से प्रकट हुआ, तू संत कबीर के हृदय में छलका, तू ज्ञानेश्वर के दिल में छलका, तू एकनाथ और अष्टावक्र जैसे योगियों के हृदय में भी अपने सामर्थ्य संयुक्त छलका। हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, हे गुरु कृपा, जैसी जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, जैसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, तब तक श्रद्धा की डोरी तेरे तरफ आगे बढ़ती रहे। गुरुदेव, समाधि दे देता है। जैसे मेघ बेमाप पानी बरसाता है, ऐसे ध्यान से बेमाप धर्म बरसता है। जितना जितना श्रद्धा भक्ति होगा, जितना जितना पवित्र व्यवहार होगा, उतना उतना हृदय जल्दी ध्यान के प्रसाद से पावन होगा। औदार्य सुख
भक्ति सुख, सेवा का सुख, ये सुख लेते लेते परम सुख तक पहुंचने की क्षमता बढ़ती है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। वो परम पुरुष जो सूर्य में तेज होकर दिखता है, चंद्रमा में चांदनी होकर दिखता है, पृथ्वी में रस होकर दिखता है, गंध होकर दिखता है, माँ में करुणा होकर दिखता है और पिता में अनुशासन होकर दिखता है, वह परमेश्वर अनाथ जंगल में छोड़े हुए बच्चों की रक्षा करने में भी समर्थ, और हकीमों, डॉक्टरों और कुटुंबियों से घिरे हुए मरीज, सुरक्षा के बीच रहने वाले लोग भी कभी कभी एकाएक चले जाते। हरिओ तुझे कैसे पहचाने, तू कैसा है तू ही बता। तेरी पॉलिसी का पता नहीं चलता, हम अपनी पॉलिसी से तुझे सोचते हैं, मानते हैं, तोलते हैं। वही काम करें जिससे तू संतुष्ट रहे, हम वही काम करें जिससे तेरे निकट आ जाए, तुझमय हो जाए। अनित्य शरीर से कुछ नित्य की सेवा कर ले, नश्वर से कहीं शाश्वत गीत गुंजा दे। देह नश्वर है लेकिन शाश्वत के गीत गुंज सकते हैं। शरीर अनित्य है लेकिन नित्य आत्मा का अनुभव हो सकता है। हमसे ऐसा ही कृत्य करवाना, हे गुरु कृपा, हे प्रभु कृपा, हे ईश्वर कृपा, तू हमारा दामन न छोड़ना। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, हे मेरे सदगुरु, तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले, अकेले अनाथ होकर संसार से जाए, उसके पहले हे नाथ तू हमें अपना नाथत्व का प्रसाद पचवा देना। तू कई बार देता है लेकिन हम पचा नहीं पाते, तू कई बार बरसता है लेकिन हमारी हृदय रूपी भूमि उर्वर नहीं, इसलिए आत्म सुख फलित नहीं हो रहा है। हे प्रभु, हे दयालु, हे अहेतु की कृपा बरसाने वाले गुरुदेव, इष्ट देव, हे मेरे दयानिधि, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, देवता की नाई कृपा नहीं चाहिए। देवता को तो जो पूजा पाठ करो, जो चीज मांगो वही देता है, गुरुदेव तो वह देता है जिसमें कल्याण ही होता है। हे हनुमान, तुम कृपा करना, गुरुदेव जैसी कृपा करना, देवता जैसी नहीं। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अनित्यानि शरीराणि
वैभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह शरीर अनित्य वैभव शाश्वत नहीं हर रोज मौत के निकट जा रहे क्षण भंगुर जीवन है अल्प आयुष्य अल्प मति अल्प गति चलते चलते कब प्राण पखेरु निकल जाए कोई पता नहीं कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए कोई पता नहीं कौन बचेगा कोई पता नहीं और युद्ध न भी हो फिर भी तो मरना ही है मरने के पहले हम अमर आत्मा का दीदार कर ले अपने अमरता का ज्ञान भर ले अपने अमर रस का आस्वादन कर ले नैनम चिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका शस्त्रों से काटा नहीं जाता आत्मा आग से जलाया नहीं जा सकता वह हम अमर आत्मा है ऐसा अनुभव कर ले देह क्षणभंगुर है लेकिन हम शाश्वत है देह बूढ़ा होता है बीमार होता है मरता है लेकिन हम बूढ़े नहीं होते बीमार नहीं होते मरते नहीं हम अपनी अमरता का अनुभव कर ले गुरुदेव इस चल शरीर में अचल आत्मा का अनुभव कर ले इस नश्वर देह में शाश्वत के गीत गा ले इस मरण धर्मा में अजन्मा का अनुभव कर ले ये बड़े में बड़ा काम है और ये बड़े में बड़ा कर्तव्य है ये बड़े में बड़ा ज्ञान है और बड़े में बड़ा ध्यान है सौ काम छोड़कर भोजन कर ले हजार काम छोड़कर स्नान कर ले वक्त पर लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का अनुभव कर ले भैया हरि ध्यान कर ले सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनःवधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्तिः